एक बात सुनिए, अभी इसमें ट्रेंड चल रहा भारतीय जनता पार्टी में, जितनी तुम चापलूसी करोगे, जितनी चटोरी बातें करोगे, उतने ही तुम्हें पद मिलेंगे। अभी पद्म श्री मिलेगा, वे भी सोच रहे ONGC क्या, BCCI के कुछ चेयरमैन पेयरमैन बन जा, न जाने उन पर कृपा हो जाए नरेंद्र मोदी जी की। दिमागहीन कहोगे, क्या कहोगे उस लड़की को जो खुद ये कहती है मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अब जो कंगना को चाहिए था वो मिल गया, अब शांत बैठो। भारत की बेटी है, भारत की बेटी होने के नाते से इस देश में सम्मान हो रहा, बाकी ऐसी महिला का सम्मान करने का कोई हक नहीं है। वैसे मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब तो कहता थी एक बेटी के लिए, बेटी की वजह से सम्मान कर रहे हैं हम, बाकी उसका सम्मान लायक नहीं है वो। जो दूसरे देश में मैसेज गलत पहुंचाती हो, जो ये कहती हो कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ, भीख मिली आजादी, जो प्रधानमंत्री प्राचीर पर लाल किले की पर जाकर जश्न मनाते हैं हर साल जाकर के भारतीय जनता पार्टी की आजादी का, और वो महिला ये कहती है कि आजाद नहीं हुआ देश 2014 में हुआ, तो क्या ये दूसरे देशों में गलत मैसेज नहीं? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिनकी शहादत लगी है लाखों लोगों की, क्या उनका अपमान नहीं है यू? जाकर सपोर्ट करेंगे, आप बता। अरे त्याग करना हर किसी की बस की बात ना होती, हम जाने त्याग करने। जितने वादे प्रियंका गांधी जी कर रही सारे पूरे हो जाएंगे? देखिए सारे पूरे होंगे, अगर सारे वादे पूरे नहीं हुए तो मैं जनता के साथ हूँ, ये भी ध्यान रख लेना, चाहे बेशक कांग्रेस। राजस्थान में पूरे नहीं करे इन्होंने जो वादे? नहीं सुनिए, राजस्थान में जो है अभी कितने कुछ टाइम से जो है अभी थोड़ी सी वो चल रही, नहीं तो सारी चीजें पूरे हुई, दो चार चीजें नहीं, दो चार चीजें बची हुई है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएंगी। मतलब आप अगर 10 में अगर 9 हो जावे, एक रह जावे, तो तुम भाई एक है पकड़ लो। पर पूनम, जब मुख्यमंत्री वहां जाके टीचर से पूछते हैं कि सैलरी टाइम पे मिलती है, तो टीचर साफ कह देते हैं नहीं मिलती। अब एक बात बताओ, मुख्यमंत्री जो टीचर हैं उनकी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को अगर इस बात का पता होगा कि टाइम शूट उनकी नहीं मिल रही, तो क्या मुख्यमंत्री पूछेंगे जाके राजस्थान के? नहीं पूछेंगे ना, तो इसका मतलब उन्हें जानकारी, उन्होंने जाकर के पूछा तो उन्हें थोड़ी अच्छा लगा कि मैं पूछूं और ये मना कर दे, फिर मीडियम वायरल हो, इसका मतलब ही उनके संज्ञान में बात नहीं होगी। और जो सड़कों पे बैठे हैं वो भी संज्ञान में नहीं है? जो सड़कों पे बैठे उनके लिए तो आवाज उठाई जा रही, यहाँ से भी उठाई जा रही, फिर ठीक कर लिया सिस्टम, कर लिया ठीक। नहीं लगातार कांग्रेस पे भी इल्जाम लगते हैं ना कि बार बार बीजेपी को आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन अरे कांग्रेस पे जो इल्जाम लगते हैं लगाते कौन है आप, ये देखो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, आम जनता नहीं लगाती है, ठीक है। आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, आपसे पूछूंगी कांग्रेस का कुछ वजूद है यूपी में? मुझे तो पूरा वजूद लग रहा, क्योंकि मैं पूरे यूपी में ही हूँ, दिल्ली में तो बड़ी कम आ रही हूँ, क्योंकि एक बेटी इतने अच्छे तरीके से लड़ रही है लोकतंत्र को बचाने के, संविधान को बचाने के लिए, तो उस बेटी को इतना आशीर्वाद मिलेगा। और जितनी भी प्रतिज्ञाएं ली गई हैं प्रियंका जी की तरफ से वो सारी पूर्ण होती हुई हमें दिख रही, क्योंकि हमारे देश में पहले कांग्रेस ही पार्टी थी, कांग्रेस ने राजीव गांधी इंदिरा गांधी जैसे और प्रधानमंत्री पंडित जी जैसे प्रधानमंत्री देश को दिया, जब सुई ना बनाई ना देश में, जब कांग्रेस को देश मिला था तो बहुत कुछ दिया, ये तो इन्हें मिल गई 7 साल में दूध पे जमी हुई मलाई, तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। अब 2-3 महीने से ही लगने लगा कि लड़की उड़ सकती हूँ, पहले से कहाँ थी? नहीं क्यों नहीं नहीं, जब अभी देखे चुनाव नहीं थे उत्तर प्रदेश में, हाथरस में चुनाव नहीं थे, नहीं चुनाव नहीं थे, लेकिन एक बेटी जाती थी सपोर्ट करने के लिए, 2.5-3 साल की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं थे, जाती थी, क्यों नहीं जाती थी? अभी पारिवारिक जीवन भी 100 बात है, मुझे तो पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बाकी हाथरस में आगरे में जितने भी ऐसे कांड हुए जिसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, उनकी आवाज प्रियंका गांधी ने कांग्रेस ने उठाई है। इंदिरा गांधी नजर आती है प्रियंका गांधी? बिल्कुल आती है, हमें भी नजर आती है जी, और हमें तो लगता था कि मतलब अभी मुझे जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता था कि इंदिरा जी नहीं है, और मैं कहती थी मुझे इंदिरा जी से मिलना है, मैं अपनी मदर को मैं अपने बाबा को बोलती थी। मोदी जी में तो भगवान नजर आते हैं? नहीं आप ही को आपको मिल आपको नजर आते होंगे, तो उनको नजर आते होंगे ना, हमें भगवान सिर्फ भगवान में नजर आता है, और ये सिर्फ जो है भगवान के आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। कंगना ने इंदिरा गांधी के लिए इतनी बातें बोल दी, कंगना के अंदर तहजीब नहीं है, तहजीब उस बेटी के अंदर तहजीब नहीं है, क्या करे आप उसे मंदबुद्धि दिमागहीन कहोगे, क्या कहोगे उस लड़की को जो खुद ये कहती है मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अब जो कंगना को चाहिए था वो मिल गया, अब शांत बैठो। भारत की बेटी है, भारत की बेटी होने के नाते से इस देश में सम्मान हो रहा, बाकी ऐसी महिला का सम्मान करने का कोई हक नहीं है। वैसे मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब तो कहता थी एक बेटी के लिए, बेटी की वजह से सम्मान कर रहे हैं हम, बाकी उसका सम्मान लायक नहीं है वो। जो दूसरे देश में मैसेज गलत पहुंचाती हो, जो ये कहती हो कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ, भीख मिली आजादी, जो प्रधानमंत्री प्राचीर पर लाल किले की पर जाकर जश्न मनाते हैं हर साल जाकर के भारतीय जनता पार्टी की आजादी का, और वो महिला ये कहती है कि आजाद नहीं हुआ देश 2014 में हुआ, तो क्या ये दूसरे देशों में गलत मैसेज नहीं? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिनकी शहादत लगी है लाखों लोगों की, क्या उनका अपमान नहीं है यू? अब कार्रवाई काय करेंगे, लाली ले दे के एक नेता उनके धोरे जिसे बनाने की सोच रहे हैं, अब तुम वहां पे कार्रवाई करवा दो, कहां बना पाएंगे नेता? अभी मल्लिका हिंद बनना चाहती थी स्मृति ईरानी, अब बनने को तैयार बैठी है कंगना, तो काहे को मुकदमे करेंगे उनके ऊपर? अभी दिल्ली से कई मुकदमे दर्ज,
के बाद उन्होंने वाइन का एक गिलास हाथ में लिया है और बोल दिए कि अगर कोई मेरे घर पर मुझे अरेस्ट करना है तो मैं इस मूड में हूँ। ओह माय गॉड, देखिए ये उनकी पर्सनल लाइफ है कि वो वाइन पिए कुछ पिए, लेकिन पियो पियो और जियो, लेकिन देश के खिलाफ और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ। ये देश चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी अगर नेता है ना, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनका जमीर जिंदा हुआ। तो देश की बात तो बीजेपी करती है, देश की बात कहाँ करें, बीजेपी तो सिर्फ हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करें, पूरे देश की बात कहाँ करें, हम तो पूरे देश को साथ लेकर चलेंगे। राष्ट्रहित में देश हित नहीं, सुन लीजिए, राष्ट्रहित में बात करने की चीजें अलग है, ठीक। अगर देश हित में, देश हित में सिख भी आवे, देश तो सभी आवे ना, चारों धर्म आवे, चारों धर्मों को साथ लेकर क्यों नहीं चलती। उत्तर प्रदेश में पीछे चुनाव हुए, एक भी मुस्लिम समुदाय को वो नहीं मिला टिकट, पता आपको? लेकिन पूरन जी हिंदू खतरे में भी तो है। देखिए मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, इसलिए मैं खतरे में नहीं हूँ। जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म से वो खतरे में, मैं नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो रवि किशन है उन्हें तो मोदी जी में विष्णु जी नजर आ रहे हैं। अब मैंने बताई तो ये सिर्फ जो हमारा सिरा सिर्फ परमात्मा के आगे झुकता है, हम परमात्मा को परमात्मा की जगह देते हैं और नेता नेता जो है उनको नेता की जगह देते हैं। अब एक बात सुनिए, अभी इसमें ट्रेंड चल रहा भारतीय जनता पार्टी में, जितनी तुम चापालूसी करोगे, जितनी चटोरी बातें करोगे, उतने ही तुम्हें पद मिलेंगे। अभी पद्म श्री मिलेगा, वे भी सोच रहे ONGC क्या, BCCI का कुछ चेयरमैन पेयरमैन बन जा, न जाने उन पर कृपा हो जाए नरेंद्र मोदी जी की। यूँ चल रहा ट्रेंड चल रहा भारतीय जनता पार्टी में। आपके यहाँ तो कोई ना आ रहा? कौन ना आ रहा, मेरे यहाँ तो बतेरे आ रहे, कौन नहीं आ रहा, आए दिन आ रहा है कोई ना कोई। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कूड़ा है, हम लेना नहीं चाहते, हमारे पास तो अभी हम मौका दे तो सारे आ जाएंगे सांसद विधायक। देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो है, अच्छी बात है, उन्होंने बोला विकास कर रहे हो करो, लेकिन अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में जा रहे हैं और एक बेटी का बलात्कार होगा जब उसमें ही उसके लिए कुछ सहायता नहीं करी अरविंद केजरीवाल सरकार ने, जो अभी हुआ था ना। हमारे मेरे नेताओं कूड़ा बता के वो, चलो हम तो कूड़े हैं, तुम क्या हो, तुम भी तो उसी में से निकले हुए कचरे हो ना, तुम भी तो उसी में से निकले हुए हो, थोड़ा बैकग्राउंड में जाओ अरविंद केजरीवाल जी। महंगाई को लेके आज आप लोगों ने फिर से घेरा सरकार को, सरकार फिर से 5-5 रुपए कम करने वाली है डीजल पेट्रोल पे। अब 5 रुपए जूता पे भी बढ़ने वाले हैं, 18% 20% की GST लगने वाली है, और कपड़े लगते पे भी, ठीक है, तो उसे भी ध्यान में रखो। इनके 5 रुपए घटते हुए तुम दिखा दो, लेकिन इनके बढ़ते हुए भी दिखाया करो। तो बोतल में कत्तर बांध और पहनो जूतों जूतों। क्यों पहना है बोतल में कत्तर बांध के? हेलो शंभू भाई, लॉकडाउन में नहीं पहना सब। सुन लीजिए, अब एक बात बताओ, जो चप्पल हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठाने की बात करे और उसके बावजूद भी ऐसे सिस्टम में आ जाए, तो कितनी गलत चीजें है। देश का किसान के यू दुर्भाग्य है, उसकी किस्मत में लिख रहा कि वो बोतल में रस्सी बांध के पहरे। ये देश के इतिहास की सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीर थी जो वायरल हुई, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो, तो देश में वैसा होगा? अरे यू किसान है, यू ही तो सारी चीज बनावे, यू ही सारी चीज उगावे, इसके खाने पे तुम्हें दिक्कत, इसके पहनने पे तुम्हें दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है तुम्हें किसान से। इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, थोड़ी तपस्या में कमी रहेगी मोदी जी क्यों पूरी करेंगे तपस्या? देखिए उन्होंने तपस्या बहुत करी है, ये इस बात को मैं मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, लेकिन उन्होंने तपस्या जो करी है उद्योगपतियों के लिए करी है, ठीक है, तो उद्योगपतियों से क्रेडिट लेके आवे। हम जनता के लिए अगर करते तो जनता रोड पर नहीं होती, ना जनता आंदोलन करती, ना ये बच्चे आंदोलन करते SSC के, ना ये इसके होते BPRD के, वो करते लखनऊ में कम से कम 50 धरने चल रहे इको गार्डन में, यहाँ देख ले दिल्ली में उद्योगपतियों का बड़ा विरोध करते करे कैसे ना, हम उद्योगपति का उद्योगपति लपेट रहे और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हमने जनता ने मूर्ख बन के मान लिया। अरे समझ रखो, जवाब लेके जाओ पूरा, जब इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इतनी चीजें बोली, हम जैसे मूर्ख बन के हमने मान ली, फिर वह जांच होकर क्यों नहीं आई सारी चीज? अरे उद्योगपति है कुछ भी हो, क्यों नहीं आई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, काहे को नहीं वो करी इन्होंने, फिर काहे को चुप बैठ गए फिर? इसका मतलब सारा षड्यंत्र रचा गया था, सारा का सारा आंदोलन करा गया जानबूझ करके।